डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और महावीर जयंती की हार्दिक शुभेच्छा आप सभी को। इंट्राडे लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑप्शन लेवल 5 अप्रैल 2023 के लिए कल कैसा रहेगा बाजार शीर्षक है। तो बाजार का मेरे ख्याल से मोटा मोटी ऊपर में रेजिस्टेंस की ओर आ गया, अब यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे की ओर आना चाहिए। मार्केट 200-250 निफ्टी नीचे आना चाहिए और मुझे लग रहा है कल से ही शुरू हो जाना चाहिए, या कल गैप अप खुले तो पुट लेना चाहिए, पैसा मिलेगा। और आज 3/25/26 पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया था, BTST निफ्टी का 17400 का पुट 64 रुपया में ले जाने को BTST मैंने डाल दिया था व्हाट्सएप में। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। और मोटा मोटी मार्केट मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा है बाजार, ठीक है अप्स डाउन आते रहेगा, रिजल्ट का महीना है, काउंटर वाइज भी चलेगा, तो अपने को उसी हिसाब से अपने को काम करना है। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए, मंडे को FII ने 2128 करोड़ की बाई की थी निफ्टी में इंडेक्स में, और सेल किया था 2699 करोड़ का, तो नेट बेसिस पे 511 करोड़ का सेल किया था LSSA.13 ने। और FII ने स्टॉक्स में 307 करोड़ का बेचे हैं, कैश में 322 करोड़ का बाई किए और DII ने 328 करोड़ का। ये डाटा है, देखिए यहाँ पर एक देखने वाली बात है, क्लाइंट ने 61,511 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के माइनस किए यानी प्रॉफिट बुक कर दिए हिसाब से ये देखा जाए, और शॉर्ट वाले का भी देखिए 76,028 माइनस है, मैंने शॉर्ट वाले का शॉर्ट पोजीशन कटवाया, लॉन्ग वाले का भी प्रॉफिट बुक किया। तो नेट बेसिस पे अब क्लाइंट 14,517 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए तो उनके रह जाते अभी 83,117 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग रहते हैं। DII ने 8,194 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग किए, तो नेट बेसिस पे 60,182 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उनके लॉन्ग के चल रहे। FII ने सोल्ड किए 5,565 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उनके बढ़ गए फिर 1,40,645 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। अभी भी देखिए 16,900 से 17,400 हो गया निफ्टी, 500 निफ्टी बढ़ गया, लेकिन वो अपने शॉर्ट नहीं घटा रहे हैं, तो उनको आगे का चाल खराब लग रहा है। और जिस हिसाब से क्रूड बढ़ा है, 8 दिन में क्रूड $15 बढ़ गया, तो आने वाले दिनों में क्यों क्रूड बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से कॉलेप्स होगा, तो उनका शॉर्ट अभी चल रहा है। प्रो ने 785 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस प्रो अब 2,654 कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 20,080 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस 69,713 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने 21,693 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, तो अब वो 136,173 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है। प्रो ने 1,613 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पर अभी वो 66,861 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं, क्लाइंट ने 99,871 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो अब वो 1,71,519 कॉन्ट्रैक्ट वापस शॉर्ट में आ गए यानी तेजी में। FII ने बहुत किए 52,780 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट के लॉन्ग किए, तो अब वो वापस 3,03,072 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में आ गए। प्रो ने 47,091 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए, तो कल तक वो 2,07,000 थे शॉर्ट में, अभी भी 1,60,000 अभी भी बड़ा है, तो एक बार हो सकता है उछल मारे या तो गैप डाउन खुले तो वहाँ से भी एक बाउंस आकर वो लोग निकल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कल मार्केट मुझे तो ऊपर का लेवल में तो पुट ही लेना चाहिए, पैसा मिलेगा। कल लेवल सारे दिए, नोट कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो।
इंट्राडे वेडनेसडे 5 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी स्पोर्ट लेवल बिलो 17380 के नीचे सेल जोन में स्पोर्ट क्लोजिंग 398 का दिया है। रजिस्टर ऊपर में 17446 और 17472 इनके बाजार गैप अप भी खुलता है 446 से 475 का रेंज में, कहीं भी आप पुट ले सकते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सपोर्ट नीचे में 17331 और 17265 तक आ सकता है। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट 86,33,250, ओपन इंटरेस्ट 1,08,21,950, चेंज ओपन इंटरेस्ट -5,97,900, प्राइस इंक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, यानी शॉर्ट कवरिंग, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, जो टेक्निकली जो भाषा होता है वो मुझे बोलना पड़ता है। स्पॉट क्लोजिंग 17398, विक्स 12.58, इंडियन रुपीज 82.43, मनी कंट्रोल PCR 1.15 है और मैं जो बनाता हूँ वो 1 है। इंट्राडे वेडनेसडे 5 अप्रैल 2023 के निफ्टी 17300 का कॉल वीकली वाला, 135 के नीचे हो तभी सेल कीजिएगा, क्लोजिंग यही दिया है, तो शायद ऊपर खुले तो ऊपर का भाव में बेचिएगा 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और या फिर वेट कीजिएगा 135 जब टूटे तब बेचिएगा, लेकिन तब स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा, तो ऊपर में भी कहीं 160-170-180 खुले तो बेचे वहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और सपोर्ट 93-63 तक आ सकता है और बाइंग रेंज रहेगा 42.55 रुपया का, 65 पैसे का। इंट्राडे वेडनेसडे 5 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी 17400 का पुट वीकली वाला, एवं 60 के ऊपर हो तो बाई जोन कीजिए, सपोर्ट 30 रुपया, क्लोजिंग बेस रहेगा, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 88, 102 और 115 तक जा सकता है। ये मैंने BTST भी कहा था, व्हाट्सएप में दिया था 3:26 में 64 रुपया में, 64 रुपीज में, और इनकेस गैप डाउन भी खुले तो लीजिए, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस रहेगा, मैंने कोई भी स्टॉप लॉस रखो, 20 रुपया भी हो जाए तो 20 रुपये के लिए काटना कोई ठीक नहीं है, 3:15 पे काट लीजिएगा जो भी हो चाहिए। इंट्राडे वेडनेसडे 5 अप्रैल 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 40,800 के नीचे सेल जोन में, यही क्लोजिंग दिया 40,813, सपोर्ट 40,600, 40,400, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 40,900, 41,100 तक भी जा सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट 28,92,600, ओपन इंटरेस्ट 27,61,350, चेंज ओपन इंटरेस्ट 7,54,725 शॉर्ट माइनस हुए, और फ्यूचर क्लोज ऊपर दिए तो शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं या लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बोल सकते हैं। विक्स 12.58 है, इंडियन रुपीज 82.43, मनी कंट्रोल PCR 1.29 आ रहा है और मैं जो बना रहा हूँ 0.98 आ रहा है। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे वेडनेसडे बैंक निफ्टी 40,500 का पुट एबव 90 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, सपोर्ट 40 रुपये का, क्लोजिंग बेस, रजिस्टर ऊपर में 147, 174 और 205 तक जा सकता है, क्लोजिंग 104 का दिया है, और या तो नीचे में भी कहीं मिल जाए 60-70 के पास भी तो लेना चाहिए, 3:15 को जो भी हो, प्लस हो या माइनस सल्टा दीजिएगा, या लेवल के पास आवे रजिस्टर के पास तो प्रॉफिट बुक करते रहिए। इंट्राडे वेडनेसडे 5 अप्रैल 2023 के लिए बैंक निफ्टी 42,800 का कॉल है वीकली वाला, बिलो 261 के नीचे सेल जोन में, 221 का क्लोजिंग है, तो कहीं बढ़े तो वहाँ बेचिए, या क्लोजिंग के नीचे हो तो बेच सकते हो, और सपोर्ट 361 का रहेगा, और सपोर्ट रजिस्ट्रेशन 301 का रहेगा, और सपोर्ट नीचे में 165, 110 और 77 तक भी आ सकता है। फिन निफ्टी स्पोर्ट एबो 18,131 के ऊपर बाई जोन, बिलो हो तो उसके नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 18,076, 18,042, ऊपर में 18,219 रहेगा। इंट्राडे वेडनेसडे 5 मार्च 2023 के लिए फिन निफ्टी 18,000 का पुट वीकली वाला एबो 62.5 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, क्लोजिंग यही है 65-50 का, और सपोर्ट 40 रुपया, क्लोजिंग बेस रहेगा, और इनकेस ऊपर खुल जाए तो नीचे जितना मिले ले सकते हो 40 के पास, और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 84 और 110 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 5 अप्रैल 2023 के लिए फिन निफ्टी 18,200 का कॉल वीकली वाला, बिलो 114 के नीचे सेल जोन कीजिए, क्लोजिंग वही है तो क्लोजिंग तोड़ दे तब बेचिए, 133 का स्टॉप लॉस लगा के, सपोर्ट 83 रुपया और 68 रुपया तक आ सकता है।
मैंने दोनों लेवल दिए है, पुट में लेने को लिखा है और कॉल में बेचने को बोला है। तो जिनको बेच के खेलता है उनको भी फायदा है और पुट लेगा उनको भी फायदा है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।